नमस्कार दोस्तों, आज एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ आप लोगों के कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से क्या वज़न कम हो सकता है। अब चाय कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिसर्च ये बोलती है कि वज़न कम करने में मदद करता है, फैट को बर्न करता है, चर्बी को कम करता है, इसलिए फैट बर्नर के रूप में भी मार्केट में मिलता है, इसकी कैप्सूल मिलती है, टेबलेट मिलती है। तो क्या चाय कॉफ़ी पीने से ये फैट बर्नर जैसा काम करेगा? तो इसका जो साइंटिफिक जवाब ये है कि कुछ लोगों में कर सकता है पर ज़्यादातर लोगों में नहीं करेगा। उसके पीछे की वजह यह है कि जो कैफीन का डोज होता है वो आप 200 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम एक साथ लेते हो तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, क्योंकि कैफीन के कारण जो वज़न कम होता है उसका जो असर आता है वो मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है या मल्टीपल तरीके से काम करता है कैफीन वज़न कम करने में। एक तो हार्ट रेट को बढ़ा देना, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देना, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, मतलब आपका शरीर अब ज़्यादा कैलोरी खर्च कर रहा है। इसके अलावा ये दिमाग के अंदर अलर्टनेस करता है, मतलब कि ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करता है, नींद को भगाता है, और इसके अलावा ये भूख को कम करता है। और एक इसका असर ये भी है कि ये फैट को मोबिलाइज करता है, बेसिकली फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में थोड़ा हेल्प करता है। तो ये तीन चार तरीके से काम करता है ताकि आपके शरीर में से वज़न कुछ कम हो। पर स्टडीज ये बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा वज़न कैफीन लेने से नहीं कम होता, बल्कि आपको ये वज़न कम करने में हेल्पफुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप कैफीन लेते हो, चाय कॉफ़ी लेते हो, तो आप ज़्यादा देर तक काम करोगे, ज़्यादा एक्टिवली काम करोगे, आपका हार्ट रेट बढ़ा होगा, तो ओवरऑल आपकी जो कैलरी है वो खर्च ज़्यादा होगी। और वर्कआउट अगर आप करते हो, जिम जाते हो, तो ज़्यादा कैलरी बर्न कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली ये हेल्पफुल हो सकती है कुछ लोगों में। और भी रिसर्च में ये भी बात देखी गई, ऐसे लोग जो थोड़ा सा पतले होते हैं उनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन ऐसे लोग जो ओबीज होते, मोटे होते, ओवरवेट होते, उनमें उतना ज़्यादा असर नहीं करता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा नहीं और ज़्यादा चाय पीते हैं, दिन में 5-6 चाय पी लेते हैं, तो उन लोगों में हो सकता है ये हेल्पफुल हो, क्योंकि ये ओवरऑल जो उनका खाना है, जो खाते हैं, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये एपेटाइट को सप्रेस करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, थोड़ा सा ताकत बढ़ी रहती है शरीर में। और जो लोग ज़्यादा ओबीज होते हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं आता। और एक चीज़ ये भी समझे कि जो कैफीन है इसका असर एक लिमिटेड है, मतलब स्टडीज में ये पाया गया है कि 2-3 किलो तक वज़न इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और लंबे समय तक भी इसका असर नहीं रहता, धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। तो इस बात को ज़रूर नोट कर लें कि अगर आपको किसी ने ये बताया है कि आप ज़्यादा चाय पीजिए, ज़्यादा कॉफ़ी पीजिए, उससे वज़न कम होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखें कि ये ज़्यादा लेने से हानिकारक भी होता है एक तरीके का। ये मतलब आप समझे कि शरीर के अंदर ये गर्मी बढ़ा देता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ता है, नींद की समस्या कुछ लोगों को हो सकती है, तो इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आप ज़्यादा शक्कर या ज़्यादा दूध डाल के चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो फिर वो ओवरऑल जो आपकी कैलोरी कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, तो फिर इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो एक क्वेश्चन रहता है लोगों का कि चाय कॉफ़ी पीने से क्या वज़न कम होता है, तो आप ये समझें कि कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी भूख को ये चाय कॉफ़ी मार देती है और थोड़ा सा उनके बॉडी को अलर्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, पर बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। और चाय कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि जो कैफीन कैप्सूल के रूप में मिलता है या टैबलेट के रूप में मिलता है वो 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम इन सब डोज में दे के जो लोग हैं उन पर स्टडी हुई है, मतलब चाय के अंदर थोड़ा सा कम ही होता है, कॉफ़ी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कैफीन। बहुत सारी बातें हैं, मोटी बात तो ये है कि आप कितना खाना खाते हो और कितना एक्टिव रहते हैं, ये चाय कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन है इनका बहुत हल्का फुल्का फिर असर रहेगा आपका वज़न कम करने के लिए। तो आप खाने पे ज़्यादा फोकस करें, ये चाय कॉफ़ी के चक्कर में पड़ के वज़न कम करने की ज़्यादा ना सोचें। थैंक यू।